ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी च जुड़ बैठे सत्संगी जनो फतेह दे नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वधाई दे पात्र हो इत्थे दे प्रबंधक वीर अते समुची साध संगत भावें बस्ती छोटी है पर जिन्ने कु आपां बैठे हाँ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र निगी गोद दे विच आप सारे वधाई दे पात्र हो कि अज मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 मुताबक दसम पिता साहिबे कमाल धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दी उन्हां दी उन्हां दे महान प्रकाश पुरब नूं समर्पित हो रहे हो। मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 जो अकाल तख्त साहब तों प्रकाशित किया गया वो काफ़ी देर तकरीबन 2010 तक चलिया पूरे इंटरनेशनल लैवल ते ते जम्मू दे विच भी तकरीबन 2018 तक चलता रहा। लेकिन कुछ ऐसे अंसर ने जड़े सिखी दी चढ़दी कला सिखी दी वक्री आइडेंटिटी वक्री पछाण देखना नहीं चाहते इसलिए वो मूल नानकशाही कैलेंडर नूं रद्द करके उही मुड़ भंबल भूसियां वाला कैलेंडर जिहड़ा बिक्रमी कैलेंडर है उस अनुसार ही फिर आपां अज ये सारे पुरब मनाउणा शुरू किए ने जो बहुत वड्डा दुखांत है साडा। इसलिए तुसी वधाई दे पात्र हो क्योंकि जिवें असी घर दे विच बच्चियां दा जन्मदिन मनाउंदे आं ते साडी उही डेट है। तुसी स्कूल दे विच भी जदों बच्चियां दा जन्मदिन लिखाउंदे हो किस डेट नूं बच्चे दा जन्म होया तो वह बदलती नहीं है। लेकिन यह असी हर साल कभी 2 जनवरी आ जाएगा कभी 5 आ जाएगा कभी 11 आ जाएगा कभी 27 दिसंबर आ जाएगा। लेकिन यह 5 जनवरी 2019 दे भी तुसी मना रहे हो अगले साल भी यही 5 जनवरी बनेगा जिहड़ा मूल नानकशाही कैलेंडर मुताबक है जो पाल सिंह जी पुरेवाल तकरीबन उन्होंने 11 साल की अणथक मेहनत करके एक कैलेंडर तैयार किया और ये तकरीबन 3000 साल तक उन्होंने सारिया डेटा फिक्स कर दित्तियां सन। ये दुखांत है साडा कि आपां अपना जन्मदिन तो जानते हाँ लेकिन अपने पिता का जन्मदिन आपां नहीं जानते धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का। इसलिए आप सारे वधाई दे पात्र हो। तो खैर अज असी उस महान गुरु नूं समर्पित हो रहे हैं उसके जीवन के कुछ अंश गुरु साहब की जीवनी उन्हां दी महान शख्सियत नूं आपां थोड़ा जिहा विचारन करन दा यतन करांगे क्योंकि गुरु साहब जी की जीवनी उन्हां दी शख्सियत बहुत विशाल है। ऐसी महान शख्सियत दे मालक ने जिन्हां दा जिस शख्सियत का कोई सानी नहीं है संसार दे इतिहास दे विच। संसार दे विच बहुत सारिया शख्सियतां होंदियां ने ते हर एक शख्सियत दे अंदर कोई ना कोई गुण पाया जांदा है। जिवें कोई देश भगत हो सकता है कोई नीतिवान हो सकता है कोई फिलासफर हो सकता है कोई विज्ञानी हो सकता है कोई अच्छा राजनीतिक हो सकता है बहुत सारे पहलुओं पर आप विचार कर सकते हैं। तो यह भी देखने दे विच आउंदा है कि संसार दे विच जिहड़ियां ऐसियां शख्सियतां ने वो अपना कोई ना कोई गुण उजागर करके अपनी एक शख्सियत वक्री शख्सियत संसार के सामने पेश कर दियां। किसी को कहा जा सकता है बड़ा वड्डा विज्ञानी है जी वो एक अच्छा राजनीतिक है असी कहिंदे भी हाँ लेकिन संसार के इतिहास के विच ये वेखण विच नहीं आया कि किसी एक समय के अंदर इको शख्सियत के विच बहुत सारे गुण पाए गए होण गुण जिन्हां दी थां पा सकना संभव होवे ऐसा बहुत घट वेखण दे विच आउंदा है। और वो है मिसाल धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की जदों उन्हां दी शख्सियत देखते हाँ असी तो उन्हां दी शख्सियत ऐसी है कि केवल 42 साल की आयु है शरीरक सफर जिहड़ा संसार दा वह 42 साल का है लेकिन उस महान
शख्सियत के ऐसे गुण ने कि इस छोटे जे जीवन काल दे विच गुरु साहब ने वो महान कारनामे किते, वो युग पलटाऊ कारनामे किते और अपनी एक अदुत्ती ते महान शख्सियत नूं जिस ढंग दे नाल इस छोटी आयु दे विच संसार दे सामने पेश किया, संसार दे नक्शे दे सामने उसकी मिसाल नहीं मिलती है। अपने आप दे विच करिश्मा लगता है और मन नूं हैरान करन वाली शख्सियत है। इसलिए संसार दे वख-वख इतिहासकार जिन्होंने गुरु साहब की जीवनी नूं पढ़िया है, विचारिया, उसनूं लिखण दा यतन किया, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वर्गी दूजी शख्सियत नहीं उन्हां नूं मिलती है। गुरु साहब के जीवन के किसी पक्ष नूं आपां लै लईए, गुरु साहब जीवन के हर पक्ष के विच गुणा का मुजस्मा है, गुणा का सागर उन्हां नूं कहा जा सकता है। जिवें सागर की डूंघाई आपां नहीं नाप सकते, इस तरह धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की शख्सियत नूं मापना या समझना यह आम मनुख के बस की गल नहीं है। ऐसी महान शख्सियत है, इसलिए बहुत सारे इतिहासकार उन्होंने शख्सियत जदों देखते हैं ना, जो असी अल्लाह यार खान जोगी पढ़ते हैं तो वह लिखता है करतार की सुगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। वो कहता है कि ऐसा नहीं कि मेरे को कलम नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे को अल्फाज नहीं, मेरे को कलम भी है क्योंकि बड़ा बड़ा कवि है। लिखता है कि कलम नहीं, ऐसा नहीं है, कलम अल्फाज भी ने पर ओ कलम ते ओ अल्फाज नहीं जिन्हों के नाल मैं धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की शख्सियत नूं लिख सका, उन्हों बयान कर सका। इतिहासकार कनिंगम लिखता है जिसने सिख हिस्ट्री लिखी है, वह लिखता है जे तुसी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी बारे कुछ जानना होवे ना तुहानू एक तेज रफ्तार घोड़े ते सवार होना पवेगा। वह अगे जिक्र लिखता करता है कि सिखां दे अंदर अथाह जज्बा पहले सतगुरां दी कृपा सदका भरिया जा चुका सी, ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने ऐसी रूह फूकी कि ना केवल सिखां दे मनां नूं ही बदल दिता सगों होर तकड़ा ते बलवान कीता, अकल ते शकल दोवें बदल दित्तियां ते सिख दी नुहार संसार भर दे विचों वक्री हो गई। उसने वह कारनामे करके विखाए जो किसी होर व्यक्ति को ना हो सके, ये इतिहासकार कनिंगम लिखता है। इस तरह जदों असी पढ़ते हैं मैकालफ नूं, वह लिखता है जदों धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की शख्सियत के बारे, तो कहता है कि संसार के अंदर संसार के इतिहास के विच सिख सतगुरां तों पहला किसे नूं भी यह ख्याल तक नहीं आया कि उन्हां नूं भी योद्धा बनाया जा सकता है, उन्हां नूं भी सुरमा बनाया जा सकता है, उन्हां नूं भी जथेबंद किया जा सकता है जिन्हां नूं गुआंढी जन दुरकारदे सन, दुरे दुरे करदे सन। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने उन्हां नूं भी जथेबंद करके रण खेतर का सुरमा बना दिता है। यह धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की शख्सियत है। तो जो असी पढ़ते हैं दौलत राय आरिया, वह अपने ढंग के नाल एक सीमित दायरे में रखता है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, लेकिन फिर भी तारीफ करता है, कहता है कि गुरु गोबिंद सिंह कैसी शख्सियत है कि गुरु गोबिंद सिंह ने हिंदू धर्म की कश्ती को सिर्फ तूफान से ही नहीं निकाला बल्कि किनारे ला खड़ा किया, सूखे हुए खेत का वो आबे हयात था, आबे आब होता पानी, बंजर हो गए ना धरती बंजर तो उसकी जिरदी जितनी मर्जी तुसी सिंचाई कर लवो उस दे विच उगदा कुछ नहीं, पैदा कुछ नहीं होंदा। कहिंदे बस इस तरह की ये भारतवर्ष की ये समाजिक धरती जिहड़ी सी ये बंजर हो चुकी सी, जिस दे विच कुछ पैदा नहीं सी, भाव अंदर आत्मक तल ते मरे हुए सन, इत्थे जिन्हां दे अंदर जीवन की कोई पता नहीं सी, आपां संसार दे विच आए, आपां कोई मनुखी जन्म दे विच आ। तो कहते सूके हुए खेत का वो आबे हयात था, उजड़े हुए दियार का यारो गम गुजार था, आखिर था वो कौन, वो गुरु गोबिंद सिंह था जिसके नाम से दुनिया वाकफ है। ए लिखता है लाला दौलत राय आरिया अपनी किताब सवाने उमरी दे विच। ते इतिहासकार गफ जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की शख्सियत नूं पढ़दा, देखो ये फॉरन राइटर ने सारे, और लिखता है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के गुरु गोबिंद सिंह
संसार का एक अत सियाना हमेशा चढ़दी कला विच रहण वाला पवित्र जज्बियां दे नाल भरपूर आशावादी कदी निराशावादी नहीं होए गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी सब कुछ कुर्बान कर दिता लेकिन हमेशा चढ़दी कला विच रहे अगाक उतरांग पिछा फेर ना मुंडड़ा लिखता कि आशावादी धार्मिक रंगण दे विच रंगिया होया वह महान आगू सी जिसने अमृत की रस्म के नाल कौम की नवे सिरों उसारी की है। और इतिहासकार गार्डन एक गल लिखता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप हुदरे लोगों नू संजम दे विच लियांदा उन्होंने अंदर धार्मिक भाव भरे अमृत छका के एक नवी कौम साजी जो आपस दे विच जुड़ गई तो उस दिन तक लड़ती रही जब तक वह कामयाब ना हुई। बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड लिखता हो कि उस दिन तक लड़ती रही आपस दे विच जुड़ गई है कौम। आज आप बिखरे हुए हैं कोई किसी पासे अपनी डफली बजा रहे हैं कोई किसी पासे डफली बजा रहे आप यही नहीं समझ सके अज तक कि धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का या अपने इतिहासक दिहाड़े आपे दिन मनाने आप बिखरे हुए हैं। लेकिन वह बड़ी सुंदर गल लिखता है कि आपस के जुड़ गई तो उस दिन तक लड़ती रही जब तक वह कामयाब ना हुई। ऐसी महान शख्सियत के मालिक ने धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तो हुणे ही मेरे वीर जी बयान कर रहे सन कोई सत्रां भाई नंद लाल सिंह जी दियां जदों वह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की शख्सियत नूं वेखदे आ तो उन्हां दी कलम लिखदे आ कदी रुकदी नहीं है लिखते जाते बस लिखते जाते। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एजदी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह। हुण असीं इह समझणा कि भई वह की कहना चाहते हैं जदों यह लिखते हैं ना कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह की शख्सियत कैसी है कैसी शख्सियत है कहते कि उन्हां दी शख्सियत नूं नापना जिहड़ा है ना किसी भी पैमाने दे नाल नापिया नहीं जा सकता। शाहे शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह शहन शाह दे भी शहन शाह ने नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह आपां इत्थों स्टार्ट कीता इसके अर्थ समझने बड़ा जरूरी ने कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह सारिआं दा मददगार है परमात्मा का हाथ उसकी पिठ दे उत्ते है तो वह सारिआं दा मददगार है। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एजदी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह जी नूं भाणे दे विच रहण दी समर्था करतार वालों मिली हुई है। देखो भाणा ही है ना भाणा मनिया उसने अपनी अखां दे सामने पिता नूं शहीद अपने आप नूं कुर्बान करन दे लई जा रहे ने ते नज़र दे सामने जांदे है ते फिर चमकौर दी गड़ी दे अंदर वड्डे साहिबजादे जांदे ते नज़र दे सामने जांदे है शहीद होण दे लई उन्हां तों बाद छोटे साहिबजादे जांदे शहीद होण दे लई जांदे है ते दो छोटे अपनी अखां तों दूर माता गुजर कौर किते दूर शहादत पा जांदे है ते फिर ये भाणे दे विच रहना है। तो लिखदे ए जदी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कहिंदे करतार वालों यह समर्था मिली है कि उसने भाणे विच रहना है। जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह नूर होंदा है चानन प्रकाश कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह जी दे अंदर परमात्मा का चानन है तो उस रोशनिया का मालिक है क्योंकि परमात्मा का नूर उसके अंदर वरत रहा है। हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह गंजूर कहिंदे खजानची नूं आपां कहिंदे आ ना खजानची असी कई बार यह भी कहते जी तुसी खजानचे हो जी सारे खजाने तुहाडे कोल ने तुसी मालक हो ते लिखदे भाई नंद लाल सिंह जी के गुरु गोबिंद सिंह परमात्मा दे सारे खजाने दा मालक है वह खजानची है। हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह आगाह होंदा है जाणू होना कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह परमात्मा दे हर सच तो वाकफ है हर सच नूं जानन वाला गुरु गोबिंद सिंह है। शाहे शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह उह ते पातशाह दा पातशाह शहन शाह दा भी शहन शाह है। इसलिए जदों असीं धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दी शख्सियत दी आपस दे विच गल करदे आ ना कितने नामां दे नाल उहनां नूं असीं पुकारदे आ याद करदे आ उहनां नूं दसम पिता कहा जांदा है उहनां नूं मर्द अगमड़ा कहा जांदा है उहनां नूं बाजा वाला कहा जांदा है उहनां नूं कलगियां वाला कहा जांदा है उहनां नूं पुत्रां दा दानी कहा जांदा है उन्होंने सरबंस दानी कहा जाता है। कितने नामों के नाल असीं उन्होंने याद करते हैं यह शख्सियत है क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी एक महान गुरु महान आगू महान चेला महान धर्म फिलासफर महान चिंतक महान मनोविज्ञानी दूर अंदेशी
गरीब और मजलूम के हितों की राखी करन वाले धरती ते डिगे होयां नूं आकाश तक पहुँचाउण वाले गरीबां दे मत्थे उपर छतर चलाउण वाले और महान सूरमे महान योधे ऐसे ऐसी शख्सियत दे मालक ने धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी जिन्हां दी जितनी भी आपां कोई गल करिए जिवें अल्लाह यार खान जोगी लिखदा कि सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है नहीं समर्थ है कि आपां उन्हां दी शख्सियत नूं बयान कर सकी। ऐसे बेअंत गुण ने ऐसे महान गुरु का प्रकाश 22 दिसंबर 1666 नूं पटने विखे माता गुजर कौर जी की कुखों आउंदा है। पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह जी उस वक्त ढाके विखे ने जो अजकल बंगलादेश की राजधानी है उत्थे प्रचारक दौरे पर सन। अज आपां ना घर की चार दुआरी तक सीमित हाँ, जरा देखियो खास करके मातावां भैणां बीबियां भी ध्यान रखियो ते आपां जिहड़े नौजवान भी बैठे आ वह भी ध्यान रखियो। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के घर प्रकाश आउंदा है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का ते माता गुजर कौर कल्ले ने ते 3.5 साल बाद आके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं वेखदे हैं पहली बार। अज साडे घर दे विच कोई बच्ची बच्चा होण वाला होवे ते मर्द घर ना होवे ते लड़ाइयां झगड़े पै जांदे हैं आपां हां ना चार दुआरी दे अंदर वह प्रचार दौरे ते ने प्रचार दौरा छड़ के नहीं आए बिच के भाई घर प्रकाश होया जन्म होया बच्चे का नहीं आए 3.5 साल बाद आउंदे है ते फिर थोड़ी देर रुकते हैं फिर रुक के मुड़ के प्रचारक दौरे ते चले जाते और जदों 5 साल का जीवन का जिहड़ा बचपन का सफर है वह गुरु साहब का पटने विखे गुजरता है और पटने तो वापस जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने आनंदपुर का नगर वसाया जमीन खरीद के मुली फिर गुरु साहब नूं ते परिवार नूं बुला लिया 5.25 साल की आयु है जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी माता गुजर कौर ये शिफ्ट करते हैं आनंदपुर साहब विखे जिहड़ी मुढ़ली विद्या गुरु साहब ने उत्थे ही प्राप्त की है। मुंशी साहिब चंद पासों गुरु साहब ने पंजाबी भाषा का ज्ञान लिया इस तरह काजी पीर मुहम्मद पासों गुरु साहब ने अरबी ते फारसी भाषा का ज्ञान लिया ते पंडित कृपा राम जो बाद दे विच गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के दरबार दे विच पहुंचदा है एक सारे पंडितों का वफद लैके जदों औरंगजेब के खिलाफ के भाई साढ़े धर्म की रक्षा की जाए वह पंडित कृपा राम को गुरु साहब ने संस्कृत भाषा का ज्ञान लिया। यही पंडित कृपा राम बाद अमृत छक के कृपा सिंह बनया चमकौर की गढ़ी के इसकी शहादत आती है और इन लैंग्वेजिज तो अलावा गुरु साहबान ने होर बहुत सारिया लैंग्वेज सीखिया। फिर गुरु साहबान ने तैराकी सीखी है फिर गुरु साहब ने शस्त्र विद्या सीखी घोड़सवारी तलवारबाजी नेजाबंदी बंदूक चलाना सीखी है क्योंकि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जानते सन कि आने वाला समा बड़ा भयानक है तो उन्होंने अपने साहबजादे को तैयार कर दिता ताकि किसी हर पक्ष से उन्होंने शख्सियत जी एक मुकम्मल शख्सियत हो। तकरीबन असी देखते हैं कि 8 कु साल की आयु है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की जदों उन्होंने सारी ये जंगी बिहारी संसारी विद्या प्राप्त कर ली सी ते आदि बीड़ जो उस वक्त आदि बीड़ के रूप से धन गुरु ग्रंथ साहब जी उन्होंने भी अध्ययन उन्हों का भी गुरु साहब ने कर लिया सी ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जदों शहादत देने दे लई जांदे हैं 9 साल की आयु है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की तो एक पासे इतनी वड्डी सल्तनत है तो पिता जी जा रहे ने शहादत देने दे लई ते जिस ढंग दे नाल उन्होंने गरीब मजलूम ते लतारे होयां दी बाह पकड़ी है वो उन्होंने एक महान जरनैल ते महान आगू होने की शख्सियत को भी उभारता है केवल 9 साल की आयु दे विच। देखो पूरी कौम की अगवाई करनी है एक पासे इतनी बड़ी सल्तनत है एक पासे धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी केवल 9 साल की आयु है और गुरु साहिबान ने उस वक्त कौम की अगवाई शुरू की है दसम पिता के रूप दे विच। उन्होंने बहुत सारे गुण ने मैं एक गुण तुहाडे सामने रखांगा वो विचार आपां सांझी करांगे जिवें आपां विचार की भाई सूरमे ने महान योधे ने फिलासफर ने मनोविज्ञानी ने एक सूरमे का गुण आपां अज विचार करांगे क्योंकि उन्हां दी शख्सियत बहुत लंबी है। जदों उन्हां दे सूरमती या सूरम जिहड़ा सूरम वाला गुण है सूरमे वाला गुण है वह वेखदे हां ते असीं पढ़दे हां वाह प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा ऐसे महान सूरमे ने। लेकिन आपां टेक लवांगे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दी कि बाणी दे अंदर किहड़ा सूरमा है
गुरु साहिबान ने बहुत सारिया वनगियां विशेषतावां दित्तियां बाणी दे अंदर सूरमियां दियां। कौन है सूरमा? केवल मैदाने जंग दे विच लड़न वाला ही सूरमा नहीं है। सूरमे दियां बहुत सारिया विशेषतावां देंदे गुरु साहिब बाणी दे अंदर। कहिंदे जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा, आत्म जिणा सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा। कहिंदे ओ सूरमा है जिसके उपर परमात्मा दे प्रेम दा नाम दा रंग चढ़िया होया है। ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਸੁਰਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਤਮ ਜਿਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ जगत नूं जितन दी विधि तैयार करदा। जदों आपा जित लैंदा है, फिर दुनिया दा कोई विकार ते कोई पदार्थ उसनूं नहीं पो सकदा। ऐसा सूरमा है। एक सूरमा होर कहिंदे, उह सूरमा किहड़ा है? जिहड़ा सब दी चरणां दी खाक बन के रहिंदा है, निमाणा ते निताणा हो के रहिंदा है, कदी अहंकार नहीं है। गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेण छारी, इस आगे तिस आगे को ना टिकै विकारी। कहिंदे ओ है सूरमा जिसने गरीबी भाव निम्रता दा गुरज अपने मुंडे ते रखिया, ते सारिआं दी चरण धूड़ खाक बन के रहिंदा है। एक सूरमा ओ है जो भाई लालो दी कोदरे दी रोटी प्रवान कर लैंदा, लेकिन मलक भागो दे भोज नूं ठुकरा दिंदा। भाव की है कि गरीब निताणे निमाणिया नूं गले लगाउंदा ते अहंकारियां दी सार नहीं लैंदा, उह भी सूरमा है। एक सूरमा उह है जिस बारे गुरु अर्जन पातशाह जी कहिंदे कि सूरमा कि है, संसार दे अंदर बड़े बड़े महाबली ने, किहड़े ने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े बड़े महाबली ने। इन्हां तों कोई जित नहीं सकिया, इन्हां दा कोई टाकरा नहीं कर सकिया। आपां सारे इन्हां दे हथों पिस जांदे आ, लेकिन जिहड़ा सूरमा इन्हां दे नाल टकरा जांदा है, इन्हां नूं वस दे विच कर लैंदा है। गुरु साहब कहते, चार बरन चोहा के मर्दन, खट दर्शन कर तलीरे, सुंदर सुगर स्वरूप सियाने, पंचो ही मोय छलीरे, जिन मिल मारे पंच सूर बीरा, सो कौन बलीरे, जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा ए कलीरे। कहते चार बरन चोहा के मर्दन, इन्हों के चार वर्ण सन, ब्राह्मण खत्री शूद वैश। कहते इन्ह चार वर्णा ने किसी बंदे नूं नहीं छड्या, ये ऐसे महाबली ने हाथ की तली के उपर रख के मसल के रख दिता है। यह ऐसे महाबली ने, कहिंदे कोई अपने आप नूं बड़ा सोहना सुनखा समझे, लेकिन इन्हां महाबलियां ने सब नूं लपेट लिया, किसे नूं नहीं छड्या। लेकिन किहड़ा बली है, किहड़ा सूरमा है? जिन मिल मारे पंच सूरबीर, जिहड़ा इन्हां पंजां नूं ढा दिंदा है, जिन पंच मार बिदार गुदारे, जो मसल के रख दिंदा इन्हां नूं, उह सूरमा है। ते ऐसे सूरमे की मिसाल आपां अगे गल करांगे। एक सूरमा होर बाणी दे अंदर गुरु साहब कहिंदे, आपां पढ़दे हां, गगन दमामा बाजो, भगत कबीर साहब जी दे पावन बचन, गगन दमामा बाजो परयो निशाना काओ, खेत जो मांडे सूरमा अब जूजन को दाओ। कहिंदे ओ सूरमा है, गगन आउंदा है साडा ये दसम द्वार, जिहड़ी गल आपां उपर विचारी ना, जा को हर रंग लागो, ये उस दे नाल मिलदा है। जिस दी सुरत दे विच, जिस दे गगन दे विच हर वेले परमात्मा दा चिंतन चलदा है, दमामा बजदा है, ढोसा बजदा है, याद चलती है, अंदर सट बजती है कि मैं परमात्मा दे नाल मिलाप करना है, ते उस दे सुरत दे भी जिथे दमामा बजदा, उन्हां दे महलों दे सामने भी दमामे बजदे है। कहिंदे वह भी सूरमे ने। सूरा सो पहचानी है, इसे नाल अगे, सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मर कभू ना छड़े खेत। कहिंदे वह भी सूरमा है जिहड़ा दीना दे लई, गरीबा दे लई, लतारिया होया दे लई मैदाने जंग दे विच जूझदा है, भावें बंद बंद कटे जान, लेकिन मैदाने जंग नहीं छड़दा, वह भी सूरमा है। हुण ये इतनियां सारियां विशेषतावां, इतनियां वनगियां आईयां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर, ते इन्हां सारियां वनगियां दा जिहड़े सारियां विशेषतावां जिहड़ियां सूरमा दी ने, वह गुरु गोबिंद सिंह जी दे अंदर पाईयां ने। गुरु गोबिंद सिंह मुजस्मा ने इन्हां वनगियां दा, इन्हां विशेषतावां दा, ऐसे महान सूरमे ने। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਏ ਤੈ ਸੂਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
असी देखते हैं जदों आनंदपुर का किला छड़दे है, आनंदपुर का किला छड़दे है तो असी देखते हैं कि वैरियां ने सारिया कसमां जिहड़ियां झूठियां खा के सब कुछ छिके ते टंगिया ते अचनचेत पिछू हमला कर रहे हैं। हुण गुरु साहब तकरीबन कोई 1500 सिंघां दे नाल परिवार गुरु साहब का नाल है तो निकलते आनंदगढ़ का किला खाली करते सरसा के कंडे ते पहुँचते हैं तो सरसा के कंडे ते पिछू वैरी दल आ रहा है, लेकिन उत्थे गुरु साहब पहुँच के कहन लगे असी इत्थे आसा की वार का कीर्तन करना, इत्थे दीवान लगेगा, परमात्मा की प्रीत है, नाम का रंग है। कहन लगे इत्थे दीवान लगेगा, क्यों? क्योंकि गुरु अपने आप दे विच इक इंस्टीट्यूशन है, गुरु अपने आप दे विच इक मर्यादा है, गुरु अपने आप दे विच इक सिद्धांत है, सिद्धांत घड़दा है, मर्यादा है, एक इंस्टीट्यूशन तैयार करता है। एक सिख एक जो पंथ है ना, एक इंस्टीट्यूशन है, एवें नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी एक मर्यादा है, उसका एक सिद्धांत है। गुरु यह मर्यादा तैयार करता है तो पहला आप उस मर्यादा नू अपने जीवन दे विच लागू करता है, फिर अपने सिखां नू प्रेरणा देता कि इस मर्यादा तो दूर नहीं होना, भावें जान भी चली जाए, यह मर्यादा गुरु आप करता है। पहला उसके उपर आप पहरा देता है। गुरु साहिबान ने गुरु नानक पातशाह जी तो लैके धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तक कोई ऐसी मर्यादा गुरु साहिबान ने तैयार नहीं की, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं करया जिस दे वास्ते यह क्या हो मर्यादा यह सिद्धांत केवल मेरे सिखा लिए है, मेरे वास्ते जरूरी नहीं कि मैं इस सिद्धांत को अपनावा या ना अपनावा, यह नहीं किया। जो सिद्धांत घड़िया पहला उस उपर आप पहरा दिता तो फिर सिखा चलने वास्ते किया। असीं देखते हैं पहले जामे दे विच गुरु नानक पातशाह जी ने एक ललकार दी, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरी जाए सिर दीजै कारना की जाए। यह ललकार दी ना पहले जामे दे विच, एक मर्यादा घट दी है, मर्यादा घट दी, तो फिर इस मर्यादा के उपर पहला आप पहरा दिता है। असीं देखते हैं जे तुसीं विचार की हो पिछले दिनों के गुरु नानक पातशाह जी 550 साल प्रकाश पुरब आपां मनाया, गुरु साहिबान ने ललकार दी तो बड़े बड़े जोगियां सिद्धां ब्राह्मणा काजियां मुलाणियां दे नाल टक्कर लै लई। सौखा नहीं होंदा, जरूरी नहीं कि टक्कर कई बार तलवार दे नाल ही ले जाए, जुबान दे नाल भी ले जा सकती है, कलम दे नाल भी ले जा सकती है। तो गुरु साहब टकरा गए तो समा आउंदा तो बाबर दे नाल भी टकरा जाते, बाबर नूं भी कहिंदे तू जाबर है उसके घोड़े की लगाम पकड़ के, क्योंकि सिद्धांत घड़िया है जो तो प्रेम खेलन का चाहो आप पहरा दिता है, तो मर्यादा घड़ी है। जिवें असीं देखदे हां कि दरबार साहब के अंदर गुरु अर्जन पातशाह जी ने कीर्तन की मर्यादा एक दे दी, आप गल उही करांगे सरसे के कंडे ते आउणा है, मर्यादा दे दी चार चौकियां दरबार साहब के अंदर अज भी एक मर्यादा है। अमृत वेले आसा की वार दे कीर्तन तुसीं सुणदे हो, आसा की वार दी चौकी लगती है, उस तो बाद बिलावल की चौकी है, उस तो बाद शाम नूं सोधर की चौकी है, फिर उस तो बाद शाम उस तो रात नूं कल्याण की चौकी है। यह चार चौकियां कीर्तन दियां अज भी बरकरार ने। जो मर्यादा गुरु ने कर दी वह मर्यादा शुरू की, उसके उपर सिखा ने भी पहरा दिता, गुरु ने भी पहरा दिता। 1984 के अंदर जो बारूद तोपा ते टैंकां दे नाल गोले बरसाए जा रहे हैं, लेकिन यह मर्यादा जी है ना कीर्तन की, यह नहीं छड़ी है। क्यों? परमात्मा की जाग को हर रंग लागो इस युग में, इस तो आप दूर नहीं जाना है। रागी सिंह अंदर कीर्तन करद्या करद्या शहादत पा जाते हैं, लेकिन आसा की वार का कीर्तन नहीं छड़ते, क्योंकि सिद्धांत गुरु ने दिता होया कि परमात्मा का नाम ही सिख के जीवन का आधार है, परमात्मा की प्रीत दूर नहीं होनी चाहिए। वह शहादत पा जाते अंदर रागी सिंह 1984 के अंदर, लेकिन मर्यादा नहीं टुटन देंगे, बस यह मर्यादा सी। तो आनंदपुर साहब के अंदर भी यही मर्यादा चल रही है। गुरु साहब का दरबार सवेरे लगता सी, आसा की वार का कीर्तन होंदा, तो गुरु साहब ने भावें जंग के मैदान के विच ने क्या इतने आसा की वार का कीर्तन होगा, अरदासा सोधिया जाएगा, फिर असी सरसा के ठिलांगे। तो उस तरह ही किया भाई उदय सिंह, भाई जीवन सिंह, बाबा अजीत सिंह जी पिछली कतार के एक पासे दुश्मन के नाल वैरियां के नाल जूझ रहे हैं, इस पासे आसा की वार का कीर्तन हो रहा है। देखो आप सारे इतने गुरुद्वारा साहब बैठे हाँ, तुसी घर के भी नितनेम करते हो, भगती करते हो, घर के भगती हो सकती है, गुरु घर के आप भगती करते हैं, किसी एकांत थां ते बैठ के भगती करते हैं, लेकिन जंग के मैदान के भगती यह विलखणता सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की शख्सियत की। भाई एक पासे जंग हो रही है, दूजे पासे भगती हो रही है, उत्थे भाई उदय सिंह जी, भाई जीवन सिंह जी शहादत भी पा जाते हैं, लेकिन परमात्मा की प्रीत नहीं छड़ी। गुरु साहब ने यह सिद्धांत सानू दे दिता कि जंग के मैदान के भी क्यों ना सिख होवे,
परमात्मा की प्रीत उसके अंदरों दूर नहीं होना चाहिए होनी चाहिए, क्योंकि जा को हर रंग लागो इस युग में सो कहिए तै सूरा। तो अज अपने अपने घर में झात मारियो फिर अपने अपने घर अच्छे साढ़े घर कोई फंक्शन हो कोई विह शादी हो भुल जाते हैं सब कुछ। यह गुरुद्वारा खाली पैंता होना मेरे ख्याल, कौन आता होगा गुरुद्वारे जे इतने बस्ती के किसी का घर विह है? असं तो भुल ही जाते हैं भाई गुरुद्वारा भी इतने है साड़ी बस्ती च कि नहीं, किसने आसा की वार का कीर्तन करना है तो किसने सुनना है? असं तो नितनैम भुल जाते हैं क्योंकि रात को 12-12 बजे तक डीजे चलते हैं, काकटेल पार्टियां चलदियाँ, बीबियां अपने खाण पीण पहनण दे विच मस्त होंदियां ते मर्द अपने शराबां दे विच मस्त होंदे, किसनों आसा की वार का कीर्तन याद है? याद है किसी नूं? लेकिन गुरु साहब की कहिंदे है इत्थे आसा की वार का कीर्तन सजेगा। अगे चलो चमकौर की गड़ी के अंदर जदों पहुँचते शाम को शख्सियत देखियो जाको हर रंग लागो। चमकौर की गड़ी के अंदर पहुँचते दूसरे दिन संसार का एक अदुती जंग होना है जिस दे विच दो वड्डे साहबजादे शहादत पा जाते, तीन प्यारे शहादत पा जाते पंजा दे विचों, ते होर 32 सिंह शहीद हो जाते हैं। लेकिन रात को जदों बैठते अंदर गड़ी के अंदर हुण अल्लाह यार खान जोगी बड़ी सुंदर गल लिखता है, उस दे अंदर की वेदना हो सकती है लेकिन हकीकत है। शाम को सोदर का पाठ होया तो जदों सिंघां ने आराम किया कुछ तो फिर वह लिखता है कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की कर रहे हैं, परमात्मा की प्रीत है जा को हर रंग लागो। कहते गोबिंद भी शबे बास हुए खेमा में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर, वाहे गुरु था मुंह से निकलता, तू ही तू था मुंह से निकलता। मैं पहला क्या कि जंग के मैदान के भगती यह देन है गुरु नानक पातशाह जी की, गुरु नानक के घर की, कि जंग के मैदान भी हो परमात्मा की प्रीत भुलनी नहीं चाहिए। इसलिए जो साडे घर कोई कार्य होता ध्यान रख्या करो कि परमात्मा का नेम आपां नहीं टुटन देना। ऐसे महान सुरमे हुण जदों इस नाम रंग दे विच कोई पिज जांदा है तो वह की करदा है? आत्म जिणा है, सगल वस तक है, जाका सतगुरु पूरा सतगुरु उसका मददगार बन जाता है तो वह अपना आप जित लैंदा है, अपने मन नूं जित लैंदा है, तो फिर दुनिया का कोई विकार उसके सामने नहीं टकरदा। जिहड़ी गल गुरु अर्जन पातशाह जी फिर अगले बचनां दे विच कहिंदे कि जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बलीरे, आपां सीरियल वाइज चले आ रहे हैं, जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कलीरे, तो कहड़ा है जां को हर रंग लागो इस युग में जिसके उपर रंग चढ़िया होया। फिर वो किसी विकार नूं ना कोई लोभ है ना मोह है ना अहंकार है ना क्रोध है ना काम है, किसी ने अपने उपर हावी नहीं होण दिंदा। असीं देखते हैं जो गुरु साहब का दरबार लगता सी ते गुरु साहब बख्शिश करते सन, चंबे की राणी गुरु साहब का दरबार लगा होया आउंदी है गुरु साहब के दरबार के दर्शनों के लिए, गुरु साहब ने अपने तीर के नाल उसके सिर के उपर बख्शिश की है, और इस तरह माता सुंदर कौर जी के उपर बख्शिश की, एक दो तीर उन्होंने दिते है, भाई दया सिंह जी ते बख्शिश की, गुरु साहिबान ने एक तीर उन्होंने बख्शे है। तो आप सारे जानते हैं इतिहास में कि बाबा बंदा सिंह बहादुर से जदों बख्शिश करते तो पांच तीर दे के उन्होंने तोड़ते हैं पंजाब वाले पासे, ये गुरु साहब बख्शिश करते सर अपने तीरों के नाल। तो कभी विकार नूं अपने गुरु साहब अपने सिखां नूं सिंघां नूं ये संबोधन करदिया होया हमेशा यह सिक्ख्या देंदे सन कि काम वाशना तू हमें हमेशा बच के रहना है, काम साढ़े नेड़े नहीं पिटना चाहिए भावें असी किन्ना भी हालातों के विच होईए। देखो कई बार की होंदा, असी फर्ज करो किसी ऐसी बस्ती के विच रहिंदे आ जिथे सिखां दी डोमीनेशन है जां सरदारां दी डोमीनेशन है, या किसी ऐसी बस्ती के विच चले जाओ जिथे कोई होर धर्म के बंदे की डोमीनेशन हो, बहुत सारे घर उन्होंने होन ते बाकी किसी के घर थोड़े होन, वह अपना हमेशा दबदबा रखते हैं भाई सानू साढ़े नाल इत्थे कौन बोल सकता, असी कुछ भी कर सकते हैं, अक्सर इस तरह होंदा है। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने कहा हालात कैसे भी होन असी किसी नूं दबा भी सकते होइए लेकिन फिर भी यह गुरु नानक दे घर का सिद्धांत नहीं है कि असी किसी नीवें दे उपर वार करिए। गुरु साहब ने कहा भाई काम माशना तो हमेशा बच के रहना, क्यों? काम एक ऐसा विकार है जो की करता है, गुरु साहब बाणी के अंदर लिखते हैं हे कामंग नरक विश्रामंग बोह जोनी परमावण है, चित हरणंग त्रै लोक गम्यंग जप तप सील विदारण है। कहते काम ऐसा है कि तुहानू नरकां का भागी बना देगा, काम वाशना भी जिहड़ा फसेगा समझो कि जूणा का भागीदार बन गया, क्योंकि चित हरणंग यह साडे चित नूं किडनैप कर लैंदा है, सानू साडी सोचन शक्ति नूं बदल देंदा है, खत्म कर देंदा है, टह टेरी कर देंदा है,
त्रै लोग गम्यन कहते गुरु साहब कहते भाई तिना लोगों के बंद किसी नहीं छड़िया इसने जो कोई काम दे फस जाता है चित हरनं त्रै लोग गम्यन जप तप सील विदारण है यह सारा जप तप बिल्कुल खत्म कर देता है कई बार बंदा बड़ा भगती करने वाला होंगे लेकिन काम आशना के फस जाता आके सील विदारना साढ़े किरदार डेग देता बिल्कुल तो गुरु साहब ने कहा कि भाई काम तू बच के रहना है एक बार गुरु साहब का दरबार लगा हुआ से दरबार लगा सी ते बहुत सारिया संगत दूजे धर्मां दी भी आउंदियां सन जिवें पहले गुरु साहिबान दे समय हुंदा सी ते गुरु साहब का दरबार लगा एक हिंदू समाज दे नाल संबंधित बंदा कहन लगा सच्चे पातशाह तुहाडे सिंह साडे लई जूझदे है मैदाने जंग दे विच जूझदे है तुसीं साडे खातर गरीबां दी खातर मजलूमां दी खातर जंग दे मैदान दे विच लड़दे हो ते उहनां दा टाकरा करदे हो ते लेकिन कई बार ऐसा होंदा है कि मुगल सिपाही साढ़े घर के आ जाते हैं तो साड़िया धियां पैणा दे इज्जत दे नाल खिलवाड़ कर जाते हैं तुसी अपने सिंघां नूं क्यों नहीं कहिंदे कि वह भी इस तरह का काम करन ताकि यह भी बदला लै सकन ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने कहा नहीं जे उन्होंने वह काम करते हैं तो असीं भी उही काम किया तो उन्होंने तो साढ़े अंतर की है कह लगे मैं अपने पंथ नूं उचाई ते लै जाणा इनू खड़ दे विच नहीं डिगण देना सुन सतगुर बोले तिस बेरे हम ले जाणो पंथ उचेरे कहिंदे मैं अपने पंथ नूं खड़ दे विच नहीं डिगण देना गुरु साहब कहन लगे गुरु नानक ने नारा लाया सी सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान ते जिस गुरु नानक पातशाह जी ने नारा लाया उस गुरु नानक दे घर दा सिद्धांत है कि हालात कैसे भी होण भावे तुसी जंग दे मैदान दे विच होवो जिथे तुसी लुट घसुट कर सकते हो किसी की इज्जत दे नाल भावे खिलवाड़ कहिंदे वह नहीं किया जा सकता किसी की ती पैण दे नाल कहिंदे कोई किसी प्रकार का कुकर्म कोई समाजिक बुराई कोई कुरीति नूं गुरु नानक दे घर दे विच बिल्कुल थां नहीं है तो यही गल कनिंगम लिखता है कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह नैवर लूज हाइट उसने उच्चता नूं कदी नहीं छड्डिया कदी थले डिगे उपर वार नहीं किया कदे बदले की भावना के नाल उसने किसी उपर वार नहीं किया तो भाई नंद लाल सिंह जी भी कहिंदे है खालसा होवे की ना गुरु गोबिंद सिंह हक हक आई ना गुरु गोबिंद सिंह आई ना आंदा शीशा कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह तो ऐसा साफ है कि उसके मानो शीशे की न्याई है उसके भी तुसी अपना चेहरा वेख सकते हो ऐसा साफ दिल धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते अपने सिखां नूं भी गुरु साहब ने यह हमेशा हिदायत दी कि जंग के मैदान के भी होइए काम वासना साढ़े नेड़े नहीं आनी चाहिए क्योंकि इतने सिद्धांत की है परतरिया रूप ना पेखा नेत्र इतने सिद्धांत की है ते नेत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुर देखे राम इतने सिद्धांत की है देख पराइया चंगिया मावां भैणां तियां जाणा इतने यह सिद्धांत है तो हमेशा अपने सिंघां नूं ते असीं देखदे आं एक भी मिसाल ऐसी नहीं मिलती है कि किते किसे सिखां ने जंग दे मैदान दे विच किसे ती पैण दे वल गलत या माड़ी नज़र दे नाल वेख्या होवे और इतिहास गवाह है कि दूजियां दीआं तीआं पैणां दी इज्जत बचाउण दे लई अपना आप कुरबान भी कीता है असीं देखदे आं ना इतिहास पढ़ के देखो तुसीं कितने हिंदू परिवार दीआं तीआं पैणां नूं छुड़वा के ते उहनां नूं घर घर पहुँचाया जांदा सी लेकिन दुखांत है कि जिस भारतवर्ष नूं आजाद कराउण दे लई उहनां सुरमियां ने जिन्हां दीआं तीआं पैणां दी इज्जत बचाउण दे लई उहनां सुरमियां ने अपना आप कुरबान कर दिता उसे भारतवर्ष के अंदर 1947 तो बाद 1984 का जिहड़ा साका वापरदा ते साडियां तीआं पैणां उहनां महान सुरमियां दे वारसां नूं पहलां तां इह कह दिता गया 1947 दे विच कि इह जराइम पेशा कौम है इन्हां दीआं गतिविधियां दे उपर सख्त नज़र रखी जाए तुहाडियां तीआं पैणां दी इज्जतां नूं बचाउण वाले अज जराइम पेश अतवादी हो गए दहशतगर्द हो गए मस्कीन साहब अक्सर क्या करते सन कि जिन्हां ने इस भारतवर्ष नूं आजाद कराउण दे लई 80% तों वध शहादतां दित्तियां कुरबानियां दित्तियां उन्हां नूं अज तुसीं दहशतगर्द ते अतवादी आखदे हो ते उन्हां दा की आखोगे उन्हां दा की करोगे जिहड़े चिट्टियां धोतियां ते चिट्टियां टोपियां पा के अज पूरे मुल्क नूं लुट रहे ने उह की ने ते दुखांत है साडा इस भारतवर्ष का कि 1984 के विच उन्हां वारसां दीआं तीआं पैणां दी शरेआम इज्जत लुट ली गई है दिल्ली अते होर भारत के अलग अलग शहरां दे अंदर अज भी असीं देखदे आं कि भारत के अंदर हर 22 या 21 मिनट बाद एक औरत दी इज्जत दे नाल खिलवाड़ किया जांदा है या तुसीं रोज़ पढ़ते हो पेपरां दे विच टीवी दे विच वेखदे हो या हुण पिछले दिनों दे विच एक डाक्टर नूं देखो जिंदा सार दिता गया उस
बच्ची दे नाल रेप करके। एक उस तो पहला असी दामणी का केस पढ़िया, हुण एक दामणी का केस होंदा है, या ये हुण जिहड़ा रीसेंट केस होया चार नौजवान जिन्हां ने कुकर्म किया उन्होंने पकड़ के काउंटर शो करके उन्होंने मार दिता गया। गुरु नानक दे घर दा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे घर दा सिख कभी भी इन्हां माड़े कुकर्मां दा हामी नहीं रहा ते ना ही रहेगा कभी। लेकिन असी उन्होंने पूछना चाहते हैं भाई उन्होंने धियां भैणों की भी सार लो जिन्हां की इज्जत तुसी दहाकियां पहला लुट्टी शरेआम बाजारां दे विच, उन्होंने कौन पूछेगा? इन्हां लई ते तुसी अदालतां फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हो, उन्हां वास्ते की होएगा? यह दुखांत है साडा। अज भी हिंदुस्तान के शहरों के वख-वख शहरों के 94 रेप केसिस डेली होंदे है। यह मैं नहीं कह रहा, यह हिंदुस्तान की सरकार कहती है, NCRB नैशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यू 94 केसिस डेली होंदे है। यह गल वक्री है कि सानू कई बार पता नहीं लगता, लेकिन एक भी इतिहास के अंदर मिसाल तुहानू नहीं मिलेगी किधरे सिख ने किसी की इज्जत के नाल खिलवाड़ किया होवे। ऐसी शख्सियत धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने, गुरु नानक पातशाह जी ने पढ़ दी अपने सिखां दे भी। साढ़े सामने मिसाल है, अज अमेरिका दुनिया की पावरफुल कंट्री है, हुण कल परसों उन्हें अटैक किया तो वह मारिया उसका जनरल। असी देखते हैं उन्होंने कहा जो अफगानिस्तान के उपर अटैक किया ना, जो 2011 का टावर उपर अटैक किया तालिबाना ने, उस तो बाद अफगानिस्तान के उपर अटैक शुरू हुए तो फिर उन्होंने कहा जी तालिबाना की असी लक भन दिता, असी एक नंबर की फोर्स हाँ दुनिया के, है भी है मनते हैं सुपर पावर है, कह लगे असी एक नंबर की फोर्स हाँ, असी तालिबाना का लक भन दिता, उन्हें जिंदगी भर नहीं उठ सकणगे। लेकिन उन्होंने पता लगा कि भाई साढ़े को पहला तो इतने सिखां ने भी राज किया हो, महाराजा रणजीत सिंह का राज आता तो उत्थे बैठा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का सिख हरी सिंह नलूआ बैठा उत्थे। जदों उन्होंने पता लगता है वह कहन लगे भाई साढ़े को पहला तो सिखां ने राज किया तो असी एक नंबर पर नहीं असी दो नंबर पर हाँ। तो हरी सिंह नलवे का बुत उन्होंने वाइट हाउस के लगाना चाहिया, लेकिन उन्होंने भारत सरकार नाल गल की, इन्होंने परमिशन नहीं दी, क्यों कि साड़ी चढ़ती कला नहीं वेखना चाहते है। हुण हरी सिंह नलवा बैठा उत्थे अफगानिस्तान के, तो उसके ना तो थर थर कंबदे है जिहड़े अज दे तालिबान। वो पठानिया कहंदे सी अपने बच्चे नूं, अज असीं अपने बच्चे नूं दुध पिलाना होवे ना तो कहंदे बच्चे दुध पी ए बिल्ली आ जाएगी म्यों करेगी बल्ली, इहो गल कहंदे ना असीं बिल्ली दे नाल बच्चों नूं डराउंदे आ। तो वह पठानिया हरी सिंह नलवे के नाम के नाल डरांदियां सन, चुप छा हरिया रागला कि हरी सिंह नलवा आ रहा बच्चे दुध पी लै, ऐसे थर थर कंबदे सन। तो दरबार लगा हो उसका बैठा तंबू के अंदर, देखो शख्सियत धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की भर दी उन्हें, बैठा तंबू के अंदर तो एक पठानी आउंदी है, तुसी वार्ता कई बार पहला भी सुनी होनी है। पठानी आके उन्हें कहती है तू इतना महान योद्धा इतना खूबसूरत योद्धा, मैं चाहती हाँ कि मेरी कुख के विचों तेरा तेरे वर्गा योद्धा पैदा होना चाहिए, तू मेरे नाल निकाह कर, पठानी कहती है। तो हरी सिंह नलवा कह लगा कि मैं गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी का सिख हाँ, जो तू चीज कह रही है ये नहीं हो सकता, उन्हें दोबारा किया। तो फिर हरी सिंह नलवे का फिर जो उसने दोबारा किया तो जवाब सी कि तू मेरे वर्गा योद्धा अपनी कुख तू चाहती है कि मेरे वर्गा योद्धा तेरा पुत्र होवे, उम्र तू बहुत छोटी सी हो। उसनू भी कहन लगे अज तू बाद तू मेरी मां बन जा मैं तेरा पुत्र हो जाता, तू समझ लै कि वह महान योद्धा पुत्र मैं ही हाँ तेरा, अपने आप उस छोटी बच्ची का पुत्र कह दिता। एक किरदार से उन्होंने महान योद्धा सुरम्या का, यह सुरम्या की जोड़ा किरदार भरिया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने। असी देखते हैं 1857 के भारत के अंदर गदर हों, 1857 का गदर तुम सारे जानते हो। एक दिन के लिए जोड़े ब्रिटिश सैनिक सन सारे कह दिता गया जोड़े भी फौज के सन भाई तुम लुट कसुट कर लवो, तो शाम को अपने बैरकों के चले आना। तो करम सिंह होती मरदान वाले, एक करम सिंह हिस्टोरीयन होए ने, बड़े अच्छे राइटर बड़े अच्छे फिलासफर इतिहासकार, लेकिन एक करम सिंह होती मरदान वाले बड़ी चढ़दी कला वाले सिंह सन, वह भी ब्रिटिश आर्मी के भी सिपाही सन। कहते वो जदों उन्होंने ऐलान कर दिता कि भाई खुल दे दी तुम लुट खसुट करो, तो सिपाहियों ने किसी के घर के अंदर दाखिल हो दरवाजे को लत्त मारिया तोड़ फाड़ के, जिमें देखते असं चोरी जदों करते हैं चोर, सब कुछ लुट लिया, कई इज्जत के नाल खिलवाड़ किया, कई धियां भैणों की इज्जत लुट ली गई, पैसे अंदरों लुट ले गए, गहना गटा लुट लिया। तो होती मरदान वाले करम सिंह जी गुजर रहे हैं बाजार के बंदूक मूंढे दे है, क्योंकि सिपाही ने वो भी
तो आवाज़ पैंदी है कन्नां दे विच, चिंकड़ दी आवाज़ पैंदी है, चीचो कराट कमरे दे विचों आवाज़ आ रही है बीबिया दे रोण दी। तो जाके देखते अंदर दरवाज़ा बंद है, दरवाजे नूं लत मार के अंदर दाखल होंदे है। देखते हैं भाई एक ब्रिटिश सिपाही जिहड़ा है वह मुसलमानां दा घर है, तो मुसलमानां दी धी दे बच्ची दे नाल वह खिलवाड़ करन दी कोशिश कर रहा उसकी इज्जत दे नाल। ते होती मरदान वाले करम सिंह होरां ने एकदम अपनी बंदूक उसकी पिठ दे उपर तान ली, कहन लगे खबरदार जे इस दे उपर हाथ पाया मैनू वड्डे साहिब दा हुक्म है कि इस घर की प्रोटैक्शन करनी है। वह सिपाही उसथों नठ गया। वह घर के मर्द कितने बाहर सन, पिछे लुट खसुट पै गई, मर्द कितने काम से गए हुए सन। शाम को जदों आए वह करम सिंह जी होती मरदान वाले पूरे दिन दरवाजा बंद करके बाहर बंदूक लैके उन्होंने घर के बाहर खड़े रहे, मुसलमानों के घर के बाहर। शाम को जदों मर्द आते हैं उन्हें देखा सरदार खड़ा है, दरवाजा खोलिया अंदर दाखिल होए, उन्हां दी औरतां कहन लगियां कि अज सरदार जी ने साडी इज्जत बचाई है। उस मर्द अंदर जांदे ते एक थाली दे विच कुछ पैसे पा के लिआंदे, कुछ उन्होंने इनाम देने, तो कहंदे भाई ये तुहाडा इनाम है, तुसीं साडे घर की इज्जत बचाई। तो करम सिंह जी कहन लगे कि मैं तुहाडे घर की इज्जत माया की लालच की करके नहीं बताई है, मेरे गुरु नानक का सिद्धांत है, गुरु गोबिंद सिंह जी का सिखा मैं। तो वह औरतां उन्होंने पूछन लगियां भाई तुहाडा नाम की है, तुसी कौन हो? कहन लगे मेरा नाम करम सिंह है। तो वह कहन लगे सारे भाई अज अल्लाह ने साडे उपर करम तो पाव आंदा बख्शिश, कहिंदे अज अल्लाह ने साडे उपर बख्शिश की है, तुहानू करम सिंह नू साडी इज्जत बचाउण दे लई भेज दिता है, ये सी किरदार। तो जदों घर जाते हैं ना, घर जाते हैं तो फिर अगू माँ पुछदी उन्होंने, हुण लुट खसुट पई हुई है पूरे शहर के विच, तो माँ उन्होंने पूछती है भाई करम सिंह बहुत सारे सिपाही तुहाडे ते समान बहुत लुट के लिया, तू की लैके आया? कहन लगा माँ मैं समान लुट के नहीं लिया, मैं गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह जी की सिखी घर लैके आया। ऐसा किरदार सी उन्हां दा। ते अज जदों साडे नौजवान ऐ विमेन कॉलेज के सामने दुमाले बन के खड़े होंदे ना मोटरसाइकलों के उपर, तो नज़र झुक जाती है साडी, असीं दूजिआं दी इज्जत बचाउण वाले हाँ, लुट्टण वाले नहीं। अपना किरदार नहीं सानू छड़ना चाहिए, यह देन सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की महान शख्सियत की। फिर असं देखते हैं काम की गल आप की, क्रोध कभी नहीं आया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, कभी क्रोध नहीं आया। देखो तुसी जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की शहादत होंदी है, पिता का सीस सामने पै रहा, संसार के इतिहास के अंदर पहली मिसाल है जिस शरीर के दो थावां ते संस्कार होंदे है, तर का संस्कार दिल्ली होंदा है, सीस का संस्कार आनंदपुर साहब विखे किया जाता है। तो गुस्सा कोई नहीं आया, नौ साल की आयु है भावें, लेकिन क्रोध कोई नहीं आया। संगत अखा नम ने, संगत दुखित ने भाई इतना व्डा साका वापरिया है, लेकिन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी उन्होंने हौसला दे रहे हैं, क्योंकि क्रोध की है? क्रोध के अक्सर बाणी के अंदर भी असं पढ़ते हैं ना, हे क्रोध की है, हे कल मूल क्रोधन कदंच करुणा ना उपर जते। जिस दे अंदर क्रोध हो ना, उस दे अंदर दूजे प्रति कोई दया नहीं होती है, वह लड़ाई झगड़िया के ही प्यार आंदा। तो अक्सर लड़ाई झगड़िया के फस के क्रोध में फस के असी कौमी पदर से भी नुकसान कर जाते हैं। अज जो लड़ाई झगड़े साडे कौम दे विच पे होए ना, यह क्रोध ही करके पे होए ने। क्रोध के बंदा जिहड़ा लड़ाई झगड़िया में फस जाता है, जिंदगी इस तरह ही तबाह हो जाती है। लेकिन गुरु साहिबान ने सानू यह सिद्धांत दिता कि क्रोध नूं भी अपने वस दे विच रखना, उत्थे वरतना जिथे जरूरत होवे, संजम दे विच रह के वरतना है। हुण असीं आपां इत्थे बैठे हाँ, ये तो सौ बंदा आ जाए गुरुद्वारा साहब के अंदर धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करना शुरू कर दे, उत्थे क्रोध जरूरी है। अपनी अणख गैरत स्वै माण के लिए क्रोध जरूरी है, लेकिन इसलिए इस वरतना संजम के नाल है, ताकि असी कोई ऐसा माड़ा काम ना करिए जिस दे नाल समुची कौम के उपर दाग लगे, या अपने घर परिवार समाज के उपर दाग लगे। तो क्रोध कभी नहीं आया, गुरु साहब ने पिता का सीस सामने पिया हो, क्योंकि गुरु साहब जानते सर भाई संजम के विच किवें वरतना है, हाले कौम नूं जथेबंद करना है, कौम नूं जथेबंदक तौर पर तैयार करना है, तो जुल्म का टाकरा समय सिर किवें करना है, जुल्मिया नूं ठल किवें पाउणी है। गुरु साहब ने क्रोध नूं अपने संजम के विच रखिया, क्रोध नूं हावी नहीं होण दिता। फिर असं देखते हैं कि जदों नंदेड़ विखे तंबू के अंदर लेटे हुए ने, तो वजीर खान के भेजे हुए दो पठाना ने उन्होंने उपर अटैक कर दिता, कटार खबो दी छाती दे विच, बाद विच ज्योति ज्योत भी समाए गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी। लेकिन जदों उन्होंने खटार खबोई, दो पठान सन अंदर, तो उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपने सिरी साहब कढ़ी, तो एक दे उपर वार किया, पहले नहीं किया,
जो अपने बचाव दे विच वार किया क्योंकि क्रोध दे विच आके गुरु साहिबान ने कभी भी नठे जाते उपर वार नहीं किया, कभी भी पहले वार नहीं किया, उस उपर वार करते हैं लेकिन अपने बचाव दे विच तो थले डिगदा है। दूजा पठान पकड़िया जाता है वह थले डिगदा है, वो भी जख्मी होता है, कहन लगा हाय अम्मा। तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी देखो अंदर क्रोध कोई नहीं, प्रेम दे नाल भिजिया होया क्योंकि जा को हर रंग लागो इस युग में उसके रंग दे विच है। उस नूं कहन लगे मूर्खा हुण हाय हम्मा कहन दा समा नहीं, हुण आए हल्ला कह, हाय अल्लाह कह। अंत वेले देखो उसनों भी अपने इश दे नाल जोड़िया, ऐसा महान गुरु है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी। फिर असी देखते हैं कि क्रोध की असी जे असी गल करिए हुण औरंगजेब नूं जदों जगरावां तों फतेहनामा लिखते हैं तो उस दे विच भी उस औरंगजेब नूं कहिंदे आ बई ठीक है अज मेरे दो पुत्र तुसी चालसाजी दे नाल मारे जंग दे मैदान दे विच लखां दा घेरा पा के, लेकिन जे तेरी मेरे नाल किते गुफ्तगू होई अगर बाज गुफ्तो सुनी दत बिमास्त ते कहने गुफ्तगू होई तेरे नाल मेरी ते मैं तुहानू सच दा राह दिखावांगा। उहनूं भी सच दे मार्ग दे तोरदे है क्योंकि अंदर क्रोध नहीं है। इसे तरह असीं देखदे हां कि कदी लोभ नहीं आया गुरु साहिब नूं, लोभ नूं अपने वस दे विच कीता सी। लोभ दे विच की है, गुरु साहिब कहिंदे बई हे लोभा लंपट संग सिर मोहरै अणक लहरी कलोलते धावंत जियां बो प्रकार अणक पात बो डोलते। लोभ दे विच फसिया बंदा जदों लालची हो जांदा ते फिर की होंदा पटकदा है कि दुनिया का कोई ऐसा सुख आराम नहीं होना चाहिए जिहड़ा मेरे कोल ना होवे, ते भावें अपने कौम के सिद्धांतों नूं भी तिलांजलि दे देवे उसनों कोई परवाह नहीं होंदी। जिहड़ा लोभी बंदा होवे वह बिकाऊ होंदा है, ते लोभी बंदे नूं पहला लालच दित्ती जांदी है कि भाई तैनूं कुर्सी दे देंगे, तैनू रुतबा दे देंगे, तैनू प्लाट दे देंगे, तैनू डीलरशिप दे देंगे, तैनू कोई होर चीज दे देंगे, तू ये काम कर। तो फिर की है जो फसदा लालच के विच ते काम कर जाता, कांड कर जाता। असी देखते हैं ना 1947 दे विच जिस भारतवर्ष नूं आपां आजाद करवाया 80% तो वध कुरबानियां दे के साढ़े उस वक्त के कुछ अखोती आगुआ ने लोभ दे विच फस के लालच विच फस के आज पूरी गुलामी दीआं जंजीरां दे विच जकड़ के रख दिता है। आज जिन्हां नूं असीं आजाद कराया आज उन्हां दे असीं गुलाम बने हुए हैं। क्यों? लोभ सी, लोभ दे विच फसिया होया ना गंगू ब्राह्मण ते माता गुजर कौर ते छोटे साहिबजादे नूं पकड़ा दिंदा है। इसलिए गुरु साहिब कहिंदे लोभी का वेसा ना कीजै जेका पार वसाए, अंतकाल तिथे धूए जिथे हाथ ना पाए उत्थे जाके मार मारेगा जिथे पानी नहीं लभना तुहानूं। लोभी बंदा ऐसा होंदा है, लेकिन लोभ दे विच गुरु गोबिंद सिंह कदी नहीं आए। अपने सिखां नूं भी यह उपदेश दिता कि लोभ लालच तू बच के रहना, तो कभी लोभ नहीं किया। एक बारी गोदावरी के कंडे ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी चल रहे ने ते नाल बहादुर शाह जफर है, क्योंकि उन लोभ दे विच फसाना चाहुंदा है, अहंकार दे विच है बहादुर शाह जफर। उन्हें एक हीरा भेट किया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं, कहन लगा कि गुरु साहब ये हीरा तुसीं कबूल करो। गुरु साहब ने वह हीरा पकड़िया ते गोदावरी दे विच सुट दिता, क्योंकि गुरु साहब जानी जान सन भाई मैनूं यह लोभ लालच देना चाहुंदा है कोई, ते अहंकार दे विच आके हीरा दे रहा है। ते जदों सुटिया ते बहादुर शाह जफर नूं कुदरती सी भाई उहनूं गुस्सा आउणा सी, कहण लगा गुरु साहब मैं तुहानूं इतना मान सत्कार दे नाल इह हीरा दित्ता है ते तुसीं चंगा मेरा सत्कार रखिया, तुसीं इह हीरा गोदावरी दे विच सुट दित्ता। ते जानी जान सतगुरु कहण लगे बहादुर शाह देख गोदावरी दे विच तैनूं इस तरह के हज़ारां हीरे नज़र आउणगे, ते तेरे वर्गे हज़ारां बंदे भी संसार दे विच तुरदे फिरदे है, असीं अहंकारी बंदियां दी कदी सार नहीं लैंदे, क्योंकि लोभ लालच देण दी कोशिश कीती अहंकार दे विच सी ना, लोभ दे विच कदी नहीं आए। आनंदपुर नगर वसाया गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने, गुरु साहिबान ने उस नगर नूं हरिया भरिया कीता, संगतां उत्थे बसना शुरू होईआं। इसलिए सानूं कहा सी भाई असीं आनंदपुर दे वासी हाँ, यह आनंदपुर एक बाहर का नगर ही नहीं है, यह अंदर वो अवस्था है चढ़दी कला वाली अवस्था। तो उस उत्थे पांच किलिया का होर निर्माण किया, आनंदगढ़ के आले दुआले होर पांच किले 6 किले बनाए गुरु साहब ने। लेकिन जो हालात नासाज होंदे है तो गुरु साहब नूं भावें आनंदपुर छड़ना भी पिया, घर घाट छड़ना भी पिया, सब कुछ छड़ना पिया, गुरु साहब ने छड़िया क्योंकि लोभ नहीं अंदर सी। अज असी इंक एक इंच जगह भी छड़न वास्ते तैयार नहीं हाँ। साढ़े बन्ने सांझे होंदे ना कई बार, तो असी लड़ाई झगड़े मर्डर हो जाते कई बार क्योंकि लोभ दे विच आ। जे एक इंच उधर इधर जगह चली जाएगी तो किहड़ा कोई आफत आ जानी है, लेकिन फसे हाँ असी लोभ दे विच। लेकिन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने कभी लोभ नूं अपने उपर हावी नहीं होण दिता, ऐसा महान सुरमा है। अगे जे असी गल करिए मोह की, मोह की है एक पकड़ है,
मोह ते प्रेम दो चीज़ां ने। मोह ते प्रेम दे विच अंतर है, अंतर बड़ा सूक्ष्म है, सानू लभदा नहीं है। मोह की है? मोह पकड़ है। जदों मोह दे विच बंदा फसदा तो फिर वो अपनी घर की चार दुआरी तक सीमित हो जाता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे धियां पुत्र, मेरा परिवार, मेरे पैसे, मेरा मकान, मेरी गड्डी, मेरा रुतबा, मेरी कुर्सी, यह मोह है। आपां जपजी साहब के अंदर एक खंड पढ़ते हैं, ज्ञान खंड। ज्ञान खंड की है? जो ज्ञान खंड दे विच बंदा आ जाता तो ब्रह्मंडी सोच हो जाती है उसकी। सिख की सोच ब्रह्मंडी है, तो सिख के गुरु की सोच कैसी होएगी? ब्रह्मंड तू भी परे है, वो मोह दे विच नहीं है। तो जो प्रेम दे विच आउंदा ना बंदा, फिर घर की चार दुआरी कोई बाउंड्री नहीं होती उस वास्ते। वह दुनिया के लिए अपने चार पुत्र भी कुरबान कर देता है, अपने पिता को भी कुरबान कर देता, अपनी मां को भी कुरबान कर देता है। यह प्रेम ते मोह दे विच फर्क है। तो गुरु साहिबान ने कभी मोह को अपने उपर हावी नहीं होने दिता, कभी मोह नहीं रखिया। पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह शीस असी देखते हैं सामने पिया, तो मातावां भैणां प्रति भी बेनती है कि केवल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नहीं, माता गुजर कौर का भी किरदार देखो कि मोह है ही नहीं बिच। तो पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह जी अपने पति को कह रहे हैं, सच्चे पातशाह तुहाडी निभ आई, कृपा करनी कि मेरी भी सिखी केसा सुवासा दे नाल निभ जाए। है कोई मोह? पता सी भाई प्रेम तो है पति दे नाल, लेकिन यह पता सी कि अज पति ने धर्म की आजादी दे लई, धर्म की स्वतंत्रता दे लई, समुची मानवता के हितों के लिए अपनी कुरबानी की है, कोई गल नहीं, यह प्रेम है। तो फिर असं देखते हैं जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी साबो की तलवंडी पहुँचते हैं, उत्थे बसेरा होंदा, उत्थे तकरीबन 1,20,000 प्राणियों ने अमृत की दात प्राप्त की। फिर इस तरह संगत सजनिया शुरू हो गई, फौजा तैयार होनिया शुरू हो गई। भाई डले को जो रेंदे सन तो उत्थे भाई मनी सिंह जी, क्योंकि जदों सरसा कंडे दे विछोड़ा पिया सी ते परिवार विछड़ गया सी, भाई मनी सिंह जी माता सुंदर कौर जी नूं लैके दिल्ली वाले पासे निकल गए सन। जदों पता लगता है तो फिर आउंदे आ जदों साबो की तलवंडी ते दरबार लगा होया, माता सुंदर कौर जी भाई मनी सिंह जी नाल आउंदे आ, जदों दरबार लगा होया तो फतेह की साज कीती है। अज असीं की करदे आ? अज फतेह विसारी होई है। फतेह चढ़दी कला का प्रतीक है, अपने घर का ही फतेह लागू करो। आपां सत श्री अकाल आखना शुरू कर दिता है। खैर, माता सुंदर कौर जी ने फतेह की सांझ की गुरदेव पातशाह दे नाल, ते कहन लगे बैठे संगत दे विच, कहन लगे सच्चे पातशाह माता जी नज़र नहीं आ रहे, साहिबजादे नज़र नहीं आ रहे, कितने ने? ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी संगत बैठिया सन, नौजवान बैठे हुए सन, कहन लगे तुहाडे साहिबजादे इन्हां नौजवानों की खातर कुरबान हो गए ने। ये अल्फाज ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के उस वेले। माता सुंदर कौर जी बैठे ने संगत दे विच, कहन लगे तुसी भागा वाले हो कि तुहाडे चार साहिबजादे धर्म की खातर कुरबान हो गए ने, ये सारे साहिबजादे तुहाडे ने इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुहे तो क्या हुए जीवित कई हजार। कहन लगे ये भी तुहाडे साहिबजादे ने। तो माता सुंदर कौर ने भी कोई उटंगण नहीं किया, कोई गल नहीं की, उन्होंने उस भाने उत्थे ही मन लिया, मिठा करके, मिठा करके भाने पति ने कहा ते मन लिया उथे। तो अज असी देखते हैं सानू इतों सेध मिलती है कि साडा सिखां दे घरां दे विच पति पत्नी का मिलाप किस तरह का होना चाहिए, भाव मेल किस तरह का होना चाहिए, घर दे विच किवें आपां जिंदगी बतीत करनी है। अज ना कई बार किसी घर दे विच पति पत्नी की नहीं मनदा, किसी घर दे विच पत्नी पति की नहीं मनती है, तो गल आपस दे विच टकराव दे विच पहुंच जाती है, घर साडे बिखरे हुए ने। लेकिन इतों सेध मिलती है कि पति गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने एक गल कह दिती कि तुहाडे चार कुरबान हो गए धर्म की खातर, उन्होंने भी प्रवान कर लिया। क्यों? मोह नहीं सी है। मोह दे विच बंदे दे अंदर ना माता सुंदर कौर जी के अंदर मोह, ना धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के अंदर मोह, ना पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के अंदर मोह। वह भी तो 9 साल का छड़ के शहादत देने ले जा रहे हैं। आपां देखते हैं ना समुद्र के अंदर एक किनारे से चट्टान खड़ी होती है, एक चट्टान खड़ी होती है, बड़ी उच्ची चट्टान तुसीं समुद्र के किनारे कई बार देखते हो, समुद्र के विचों लहरां उठदियां, उठदियां लहरां ते आके फिर टकरांदियां उस चट्टान दे नाल, ठा 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 करदियां। उस चट्टान नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, चट्टान नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, लहरां उठदियां टकरांदियां ते फिर मुड़ के समुद्र दे विच समा जांदियां, फिर उठदियां फिर समा जांदियां। लेकिन वह चट्टान खड़ी है उत्थे ही। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी वह चट्टान की तरह अडोल चित शख्सियत है, जिस दे छाती दे नाल ये मोह दियां लहरां, लोभ दियां लहरां,
लहरां चलियां संसार दे विच, कई चक्खड़ चुले, कई तूफान आए, लेकिन वह चट्टान की तरह खड़ा रहा है। क्यों? इन्हां विकारां दे उपर सी। किसे ना कोई पदार्थां दा मोह, ना धियां पुत्रां दा मोह, ना परिवार का मोह, कोई मोह नहीं। प्रेम रखे उन्होंने पुत्रां दे नाल, प्रेम सी, लेकिन जिथे प्रेम सी उत्थे धर्म की खातर उन्होंने कुरबान भी कर दिता। यह मोह तो उपर उठा होया बंदा ही कर सकता है। इस तरह असं देखते हैं, कभी अहंकार नहीं किया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने। 14 जंगा लड़िया गुरु साहब ने, 14 जंगा, ते किसी भी जंग दे विच गुरु साहब ने पहले वार नहीं किया, और कभी यह नहीं किया कि मैं कौम दे लई इतना कुछ करके जा रहा, अपना सरबंस ही कुरबान करके जा रहा। हमेशा अपने आप नूं निमाना नितााना किया है। क्यों? गरीबी कदा हमारी खन्ना सगल छरेन छारी, सारे की चरण दूर बन के रहा वह सुरमा, कभी नहीं जितलाया, क्योंकि अहंकार कभी नहीं आया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी। फिर असं अगे गल की गगन दमामा बाजियो परियो निशाना काओ, वह भी सुरमा। तो मुगल सल्तनत ने ऐलान किया होया सी कि ना कोई दस्तार सजा सकता, ना पगड़ी बन सकता, तो ना कोई ढोल धमाका कर सकता, ना कोई शस्त्र अपने घर के विच रख सकता, ना कोई घोड़सवारी कर सकता। तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने यह सारिया चीज़ा कीतिया आनंदपुर साहब के अंदर, तो रणजीत नगारा तैयार कराया, जिहड़ी मैं गल कही सी ना कि उन्होंने महलों के सामने भी दमामे बजते हैं। एक तो सुर के अंदर दमामा बजता है, परमात्मा का वाहिगुरु 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 चलता रहता है, तो उन्होंने महलों के सामने भी गुरु साहब का दरबार लगता सी। गुरु साहब ने हुक्म किया कि अमृत वेले और शाम के दीवानों के रणजीत नगारा बजाया जाए, दोनों टाइम बजता सी। तो जो रणजीत नगारे की आवाज पैंदी सी, ताई और जिहड़े हिंदू पहाड़ी राजे सन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तो खार खांदे सन कि सानू तौस जमा के दसदा पिया है। तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं कहिंदे सन कि तुसी शांति दे नाल इत्थे रहो। तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने कभी दबदबा नहीं मनिया, क्योंकि महलां दे सामने भी दमामे बजदे है, बजदे दमामे। गुरु साहब ने कहा कि एक जमीन साडी है, यह जमीन पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने मुल लैके खरीदी है, नगर वसाया है, असी किसी की एक इंच जगह नहीं मारी हुई। कभी तौसा उन्हां दी जिहड़ी जिहड़ा दबदबा सी उहनूं कभी कबूल नहीं किया। तो फिर की है, सूरा सो पहचानी है जो लड़ा दीन के हेत, गरीबा के मजलूमों की खातर वो महान सूरमा योद्धा लड़े है। जिवें गुरु नानक पातशाह जी ने कहा सी ना कि उन्होंने जात की गल की है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हुआ त नीच, नानक तिनकै संग साथ वड्या स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। गुरु साहबान ने निवियां जिन्हों दुरकारते सन, दुरे दुरे करते सन, थू थू करते सन, पिटन नहीं सन देंदे, गुरु साहब ने भाई लालो वर्गियां अपने नाल गले लगाया, भाई मरदाना जी उम्र का साथी बनाया। तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने भी वही सुरमे सन कि दीना की खातर लड़े है, जिन्होंने वह लोग दुरकारते सन। भाई जैता जी जिन्होंने लोग नीवी जात का कहें सन, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का सीस लिया, उन्होंने अपने गल के नाल लगाया, तो क्या रंगरेटा गुरु का बेटा। तो जदों अमृत की दात की तैयारी की गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 1699 की विसाखी वाले दिन, तो 80,000 का इकट्ठ है, तो जेडे पहाड़ी राजे सन वो कहन लगे भाई असी भी तुहाडा तैयार किया अमृत छकण वास्ते तैयार हाँ, लेकिन साड़ी एक शर्त है कि असी इन्हां नीवी जात वालियां दे नाल बैठ के अमृत नहीं छक सकते, साडे लई वखरा अमृत तैयार करो। तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने की कहा सी, सूरा सो पहचानी है जो लड़ा दीन के हेत। कहन लगे तुसी अपने आप नूं उच्ची जात का समझ दे, गुरु नानक दे घर का सिद्धांत यह है कि इत्थे नीवी जात वाले नूं अपने गल दे नाल लगाया जांदा, मैं तुहानूं सदा ही नहीं दिंदा, तुहानूं बुलांदा ही नहीं, मैं इन गरीब सिखण को दिओ पातशाही ये याद करे हमरी गुरियाई। कहले मैं तो इन्हां नीवियां नूं अपने गल दे नाल लाउणा, क्यों? गरीब नवाज गुसैया मेरा माथा छतर तरै, वह परमात्मा की ऐसी वड्याई है, जे वह चाहे ना एक मिनट दे विच किसे राजे नूं कंगाल बना सकदा, ते किसे कंगाल नूं तख्त ते बिठा सकदा। ते धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी वह शख्सियत सी जिहड़ा गरीबां दे लई लड़िया है, मजलूमां दे लई लड़िया है। हिंदुस्तान की आजादी जो हजारा सालों की गुलामी तो बाद यह देन है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वर्गे महान सुरमे सी, ऐसे महान सुरमे की शख्सियत जिसकी मिसाल संसार के इतिहास के विच नहीं मिलती। अज इस तरह का सुरमा आपां भी बनना है, लेकिन दुखांत है साडा कि असी आपस के लड़ाई झगड़िया के कौमी बहुत सारे मुद्दे ऐसे पे हुए हैं कि असी फसे हुए हैं।
सानू इन्हां दे विच ही जकड़ दिता गया है। असी अपने बच्चों वाले पासे कोई ध्यान नहीं दे रहे, सिक्खी वाले कोई पासे ध्यान नहीं दे रहे, क्यों? साडा ध्यान ही डाइवर्ट कर दिता हुआ है। मूल शाह नानक शाही कैलेंडर एक पासे है, फिर असी देखते हैं कि होर बहुत सारे मुद्दे ऐसे ने जिन्हां दे भी साडे ध्यान नूं पा दिता गया है। कौमी मुद्दों के उपर साडा कोई ध्यान नहीं जाता, डाइवर्ट कर दिता सारा ध्यान। लेकिन अपने घरां दे विच असी देखते हैं कि अज वह सुरमताई वाली गल जिहड़ी है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने जो अपने चार साहबजादे कुरबान करके साडे अंदर वह दृढ़ता भरी सी, वह अणख गैरत स्वाभिमान भरिया सी, वह अज नहीं। अज साडे घरां विच असीं देखदे आ छोटे छोटे बच्चियां विआह शादियां दे विच साडियां बच्चियां नचदियां टपदियां सीटियां वजदे काकटेल पार्टियां आउंदियां, जिहड़ी मैं गल पहला कही है। असीं अपने सिधांत तों अज कोहां दूर आ, वह महान सुरमे की दृढ़ता साडे अंदर आ नहीं सकी। अज जदों असीं धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं याद कर रहे हैं, उन्हां दा प्रकाश पुरब मना रहे हैं, तो उन्होंने सच्चे दिल दे नाल याद करना ता ही होवेगा जे असी उन्हां दी शख्सियत दा घटो घट एक गुण तो अपनी जिंदगी दे विच बसा लईए, एक गुण तो अपनी जिंदगी विच बसा लईए। उन्हां वर्गे योधे बनन दी कोशिश कर, योधे तू भाव यह नहीं कि आपां जंग दे मैदान दे विच जूझ चढ़ाई है, योधा उही है जां को हर रंग लागो इस युग में, सो कहिए तै सूरा आत्म जिणा सगल वस तां कै जां का सतगुरु पूरा। अज असी अपना आप नहीं जित सकते, खास करके साडियां मातावां भैणां, जो कुछ बाहर असी सभ्याचार देखते हैं, जो दूजियां दा पहरावा देखते हैं, उही साडियां धीआं भैणां भी पाणा शुरू कर देंदियां। मेरे घर की भी यही हालत है, साडे सारयां दे घर की हालत है, बच्चियां अज सुणदियां नहीं सुणदियां। जो असी लहंगे ते चोलियां पा के अज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे आले दुआले चार लावां लैंदे आए, साडा सिधांत नहीं सी, लेकिन असी दूजियां दा सिधांत अपना अडाप्ट कर लिया, अपना सिधांत अपना सभ्याचार अपना कल्चर वो चढ़दी कला वाली गल असी छड़ दित्ती है। इसलिए मातावां भैणां प्रति बेनती है, नौजवान भैणां उन्हां नूं बेनती है, अपने सिधांत नूं पछाणो, अपने कल्चर नूं पछाणो, अपने सभ्याचार नूं पछाणो, उस महान गुरु की शख्सियत नूं पछाणो, उस शख्सियत नूं अपने जीवन के अंदर ढालन का यतन करो। मैं दो तीन मिनट तुहाडे होर लवांगा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की कैसी शख्सियत है? प्रोफेसर पूर्ण सिंह होए ने, एक तो पूर्ण सिंह आपां देखदे आ ना पिंगलवाड़े जो शुरू किया उन्होंने, वो चढ़ाई कर गए ने। एक प्रोफेसर पूर्ण सिंह होए ने, बड़े अच्छे साइंटिस्ट सन, वो सिखी तो मुनकर हो गए, केस कतल करा दिते उन्होंने, लेकिन बाद दे विच गुरु ने बख्शिश की, मुड़ के इस धारा के शामिल होए, अमृत की दात प्राप्त की, सिंह सजदे है। बड़े अच्छे साइंटिस्ट सन, लिखारी भी सन, बहुत उन्हां दीआं किताबां लिखियां होईआं, बड़ा अच्छा लिखिया उन्होंने। प्रोफेसर पूर्ण सिंह दे एक बारी ख्याल अंदर पैदा होया, उन्हां दी वेदना है, इस शख्सियत नूं दसदे आ कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की शख्सियत है। उन्हां दे अंदर एक वेदना पैदा हुई, कहिंदे कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तुहाडे बेअंत गुण ने, ते मेरे अंदर एक इच्छा प्रगट पैदा हुई है कि मैं किधरे तुहाडी कोई तस्वीर बनावां जिस तस्वीर दे विच तुहाडे सारे गुणां नूं भर दिआं। एक अंदर विचार पैदा होया, कह ले ऐसी कोई तस्वीर बन जाए सच्चे पातशाह कृपा कर कि तेरे सारे गुण मैं उस तस्वीर दे विच भर दिया। कह लगे, तस्वीर बनाउन लगे, हाथ विच बुरश लिया पेंट लिया बनाउन लगे, तस्वीर बनाउन ते मिटा दे, बनाउन ते मिटा दे। कह लगे मैं की तस्वीर बनावा, मैनू ते पता नहीं लगता उस परम उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने इतने गुण गुरु गोबिंद सिंह अंदर भर दिते हुए ने कि मैं तस्वीर नहीं बना सकता। कहने एक ख्याल पैदा होया कि चलो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के कुछ गुणों तो बारे जाना तो तस्वीर बनावा। कह लगे मैं चला गया पटना, पटने तू गंगा बहदी है नालू। कह लगे पूछया गंगा नू कि गंगा इत्थे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने बचपन के पांच साल गुजारे तेरे कोल, कोई गुण दस उन्हां दा, कोई गुण दस, मैं तस्वीर बनाना चाहुंदा। कह लगे गंगा भी चुप है। कहिंदे अगे आया तो फिर मैं जमुना चला गया, जमुना पौंटा साहब जिथे गुरु साहब ठहरे। कहते पौंटा साहब उत्थे मैं जमुना को पूछया, जमुना इत्थे ते गुरु साहब की चरण छोह प्राप्त है तेनू, तू कोई गुण दस गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, मैं तस्वीर बनाना चाहुंदा। कहते जमुना भी चुप है। कहते मैं फिर चला गया सतलुज के कोल। कह लगे सतलुज जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अमृत की दात बख्श के खालसे की सिरजना मुकम्मल की है, पानी तेरे तो लिया है, तू कोई गुण जानदा होएगी, जानदी होएगी उस गुरु पातशाह का, कोई गुण दस मैं तस्वीर बनाना चाहुंदा। कह ले सतलुज भी चुप है। कह ले फिर मैं गोदावरी गया, गोदावरी को पूछया भाई तेरे अंदर नगीना सुटिया सी, तेरे अंदर हीरा सुटिया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी सिरे की गल आपां कीती।
कहिंदे तेरे अंदर हीरा सुटिया गोदावरी, तू तो कोई गुण दस मैनू, मैं तस्वीर बनाना चाहुंदा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दी। कहिण लगे कन्नां दे विच आवाज़ पैंदी है, अगू गोदावरी भी चुप है। कहिंदे अचानक कन्नां दे विच आवाज़ पैंदी है, एक वेदना है उन्हां दी कि प्रोफेसर पूर्ण सिंह तू किस दे गुणां नूं लभ रहा है, किस दे गुण पुछ रहा है? वो दसम पिता दे। कहिंदे वो इतना महान गुणा दा मुजस्मा है कि जिसनों भी उसके चरणों की छो प्राप्त हुई है। भाव की सी कि गोदावरी छो प्राप्त हुई, जमुना छो प्राप्त हुई, सतलुज छो प्राप्त हुई, गंगा छो प्राप्त हुई। कहिंदे जिसनों भी छो प्राप्त हुई ना धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के चरणों की, वह तो उस दे विच ही समा गया है। तू कि गुणा की गल करदा? ऐसे महान गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की शख्सियत है जिन्हों आप अल्फाजा के बयान नहीं कर सकते, लेकिन कई बार कोई गल कर सू सहारा लेना पैदा दुनियावी अल्फाजा का। क्यों? गुरु तो परमात्मा अध्यात्मिक तल तो दोवों का तल एक ही है, गुणा करके गुर परमेशर एको जान। गुरु शरीर रूप के आंदा संसार दे, लेकिन शरीर के तल तो उपर उठ के रहा। असी संसार अंदर विचरते हैं ना, शरीर लिए खाना, शरीर लिए पीना, शरीर लिए पहनना, शरीर के लिए दुख सुख, असी शरीर के घिरे हुए हैं। गुरु साहिबान ने सानू शरीर के बाहर कढ़ के जोत के तल पर लिया, जिस जोत के तल पर गुरु साहब आप जीवन बतीत करते सन। इसलिए गुरु नानक पातशाह जी ने पहले जामे सानू शब्द लड़ाया, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, तो इसे शब्द गुरु नू शरीर के नाल नहीं जोड़िया, शब्द के नाल जोड़िया। इसे शब्द गुरु नू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 1708 दे विच गुरगद्दी की दात बख्श के सानू धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लगाया, तो 1708 दे विच ऐसी महान शख्सियत शरीर करके संसार तू जांदे है, लेकिन जोत करके अज भी वह जोत धन गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर है। सानू अज चाहिए कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी जदों असी याद कर रहे हैं, उन्होंने पुरब मनाते हैं, तो फिर ऐसे महान शख्सियत को याद करके उन्होंने अपने अंदर बसाउण दे, उन्होंने गुण अंदर बसाउण दे दी कोशिश करिए, ताकि साडा भी जीवन गुणवान हो सके, सुरखरू होकर असी यह जीवन बतीत करिए, सुरखरू होकर संसार तो कूच करिए। बोलदे आ बहुत सारिया भुलां गलतियां होणगियां, बख्श लैणा जी, होई भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।